नर्मदा स्टोन शिवलिंग से मैं शुभम कर्मा आज के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में कि नर्मदेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसे घर में कैसे स्थापित करें और घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग को स्थापित करने से क्या क्या फायदे होंगे। कुछ दिनों से मुझे मेरे काफ़ी मित्रों के फोन आए, कई सवाल उन्होंने मुझसे किए कि हमें नर्मदेश्वर शिवलिंग की कहानी जाननी है, कैसे प्राप्त होते हैं आप लोगों को और नर्मदेश्वर शिवलिंग को यदि हम घर में स्थापित करें तो इससे हमें कोई हानि तो नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भगवान को सबसे प्रिय होता है उसका भक्त। भगवान कभी नहीं चाहेगा कि वह उसके भक्त का नुकसान करे या उसे उसके भक्त को नुकसान पहुँचाए। यदि आप अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो इससे भगवान प्रसन्न होंगे, यह नहीं कि आपको वह नुकसान पहुंचाएंगे। नर्मदेश्वर शिवलिंग को आप अपने घर में बड़े ही आसानी से स्थापित कर सकते हैं, बिना प्राण प्रतिष्ठा के बहुत ही इजीली आप नर्मदेश्वर शिवलिंग को अपने घरों में स्थापित कर सकते हैं। अब नर्मदेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो माँ नर्मदा, माँ नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है। माँ नर्मदा को भगवान शिव की मानस पुत्री भी कहा जाता है। माँ नर्मदा को कई वरदान प्राप्त थे जिसमें से एक वरदान यह था कि तुम्हारे तट पर पाए जाने वाला प्रत्येक कंकड़ शंकर का रूप होगा। तुम्हारे तट पर पाए जाने वाला प्रत्येक कंकड़ शंकर का रूप होगा और इसे बिना प्राण प्रतिष्ठा के घरों में स्थापित किया जा सकेगा। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग भी माँ नर्मदा से प्राप्त होता है, हमें नर्मदेश्वर शिवलिंग माँ नर्मदा की गोद से प्राप्त होता है, इसीलिए इसे नर्मदेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग को आप बड़ी ही आसानी से अपने घरों में बिना किसी प्राण प्रतिष्ठा के घरों में स्थापित कर सकते हैं। इसे अपने घर में स्थापित करने से आपको किसी भी तरह का कोई डिसएडवांटेज या किसी भी तरह से कोई हानि नहीं होगी। यदि आप नर्मदेश्वर शिवलिंग को अपने घर में स्थापित करते हैं तो इससे आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियां है, नेगेटिव एनर्जी है, वो दूर होगी और घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आपके घर में यदि वास्तु संबंधित कोई समस्या आ रही है तो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, इससे वास्तु का भी निवारण होता है। अब नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा कैसे करें, तो दोस्तों नर्मदेश्वर शिवलिंग स्वयं एक सिद्ध शिवलिंग है, इसे किसी तरह की कोई प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। इसे आप अपने घर के मंदिर में, ड्राइंग रूम में, स्टडी टेबल पर या तुलसी में कहीं पर भी स्थापित कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो नर्मदेश्वर शिवलिंग का प्रतिदिन दूध, शहद या पानी से अभिषेक कर सकते हैं। यदि यह आपसे नहीं होता तो नर्मदेश्वर शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। नर्मदेश्वर शिवलिंग के दर्शन करने से, पूजा करने से आपको कई फायदे प्राप्त होंगे। नर्मदेश्वर शिवलिंग ही सभी स्टोर में एक ऐसा शिवलिंग है जिसे बिना प्राण प्रतिष्ठा के स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि स्वयं इसमें प्राण पहले से अवेलेबल होते हैं, पहले से ही इसमें प्राण होते हैं, क्योंकि ये माँ नर्मदा की गोद से हमें प्राप्त होते हैं। अब नर्मदेश्वर शिवलिंग किस तरह के होते हैं और किस तरह के हमें नदी से प्राप्त होते हैं, तो मैं बता दूं दोस्तों, ये पत्थर आप देख सकते हैं, ये नदी से हमें एक्चुअल इसी आकार में प्राप्त हुआ है। ये पत्थर आप देख सकते हैं, ये नदी से हमें इसी आकार में नर्मदा नदी से मिला हुआ है। आप देख सकते हैं इस पत्थर में नेचुरल चंदन की आकृति बनी हुई है। ये पत्थर हमें नदी से इसी आकार में एक्चुअल में प्राप्त हुआ है। ये पत्थर हमारे एक्सपर्ट लोग नदी में जाकर, गहराई में जाकर निकालते हैं, बहुत ही मुश्किलों के बाद इस तरह के रेयर शिवलिंग हमें प्राप्त होते हैं। इस तरह के पत्थरों को हम निकाल कर कुछ इस तरह का आकार देते हैं, इस तरह का हम शिवलिंग का आकार देकर नर्मदेश्वर शिवलिंग तैयार करते हैं। दोनों ही शिवलिंग नर्मदेश्वर है, बस ये इसके स्वयं के स्वरूप में है और इसे हमारे द्वारा शेप दिया गया हुआ है। दोस्तों नर्मदेश्वर शिवलिंग के हमारे पास कुछ पेंडेंट भी होते हैं जिन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग लॉकेट कहते हैं। इस लोकेट को आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। इसे गले में धारण करने से कई फायदे होते हैं, जैसे यदि आपके शरीर में कोई बाधा है वह दूर होती है, आपके शरीर से नेगेटिविटी जाती है और पॉजिटिविटी आती है, और
आपके दिन में दिन भर एनर्जी बनी रहती है, आपके शरीर में पूरा दिन एनर्जी बनी रहती है, तो नर्मदेश्वर शिवलिंग को भी आप अपने गले में बड़े ही आसानी से स्थापित कर सकते हैं। यदि वह पुरुष हो तो पुरुष भी अपने गले में नर्मदेश्वर शिवलिंग का लोकेट धारण कर सकता है, स्त्री भी नर्मदेश्वर शिवलिंग का लोकेट अपने गले में किसी भी सोने की चेन में, चांदी की चेन में या फिर काले धागे में धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, नर्मदेश्वर शिवलिंग से जुड़ी हुई आपको कोई भी जानकारी और चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग से जुड़ी हुई जानकारियाँ आगे भी मिलती रहे। वीडियो के लास्ट में मेरी लिंक दे रखी है, मेरी वेबसाइट दे रखी है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, जिससे आप हमें कॉन्टेक्ट करके नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप स्वयं भी गांव बकावा में आकर नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने हाथ से नदी से निकाल कर ले सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट, हमारी टीम आपके साथ जाएगी, वो स्वयं आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग ढूंढने में मदद करेगी और आप स्वयं अपने हाथों से माँ नदी से, माँ नर्मदा से स्वयं नर्मदेश्वर शिवलिंग निकाल कर अपने हाथ से अपने घर पर ले जा सकते हैं। धन्यवाद।